मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बराक ओबामा द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर बयान दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाकर बराक ओबामा द्वारा उन्होंने जो है बयानबाजी करते हुए साफ तौर पर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के इस वक्त दौरे पर है उसे लेकर उन्होंने कटाक्ष किया था, लेकिन अमेरिका के ही दौरे पर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जवाब भी दे दिया गया। इसके साथ ओबामा द्वारा दिए गए बयान पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे यह पता चला है कि किस तरीके से बराक ओबामा को 4 मिलियन जो है डॉलर का पेमेंट किया गया है ताकि वह मोदी के खिलाफ बोले। जी हाँ, ये बात जो है हम नहीं कह रही हैं, ये बात जो है एक ट्वीट के जरिए सामने आई है, जहां पर यह दावा जो है किया गया है। क्या है पूरा माजरा, क्या कहा है बराक ओबामा ने और क्या जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है, विस्तार से समझ लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर गए हुए हैं और 22 जून को उनका व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। बराक ओबामा ने न्यूज चैनल सीएनएन से कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान बहुसंख्यक हिंदू भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरा एक तर्क यह होता कि यदि आप भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत अलग थलग पड़ सकता है। तो बराक ओबामा ने भारत के मुस्लिमों पर क्या कहा, ये भी सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जब बड़े आंतरिक झगड़े होने लगते हैं तो क्या होता है, यह न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदुओं के हितों के भी विपरीत होगा। मुझे लगता है इन चीजों के बारे में ईमानदारी से बात करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। बता दें कि बराक ओबामा ने अमेरिका राष्ट्रपति के तौर पर 2014 से 2016 में पीएम मोदी की मेजबानी की थी। वहीं पीएम मोदी ने जनवरी 2015 में दिल्ली में बराक ओबामा की मेजबानी की थी, जब वे भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। ओबामा के इस बयान का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के मित्र बराक ओबामा ने पास उनके लिए एक संदेश है, क्या लगता है वो भी मोदी के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। कम से कम भक्त तो ये यही आरोप लगाएंगे। पीएम मोदी जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक जो है उसके बारे में भी जान लीजिए। तो पीएम मोदी मंगलवार यानी 20 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका के अपने पहले राजकीय दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने इसे लेकर गुरुवार को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे और विस्तृत चर्चा की। इस वार्ता का मकसद रक्षा जो है अंतरिक्ष स्वच्छ ऊर्जा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहित भारत अमेरिका सामरिक संबंधों के और गति प्रदान करना है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आखिर क्या जवाब दिया, तो द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के पत्रकार ने भारत के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आप ये कह रही हैं कि लोग कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक है। लोग कहते नहीं बल्कि भारत लोकतांत्रिक है, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में डाला है, हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमें सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जब मैं डिलीवरी करता हूं तब जाति पथ धर्म किसी भी तरह के भेदभाव की वहां पर जगह नहीं होती है। जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो पक्षपात का कोई सवाल नहीं उठता है। As you stand here in the East Room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है, संविधान के रूप में। और हमारी सरकार
लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है और हमारा संविधान और हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट क्रीड रिलीजन जेंडर किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है ह्यूमैनिटी नहीं है ह्यूमन राइट्स नहीं है फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर न उम्र के आधार पर न भूभाग के आधार पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए भारत के मुसलमानों से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी में शामिल होने की काफी बड़ी बात बताया था। उन्होंने कहा कि हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। हम मानते हैं कि यह काफी अहम है क्योंकि हम इस बात पर खुश हैं कि वह भी इसे अहम मानते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। सिद्दीकी ने पीएम मोदी से पूछा, आप और आपकी सरकार आपके देश के मुसलमानों के समेत दूसरे समुदाय के अधिकारियों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने के लिए तैयार है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है आप ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं। लोग कहते नहीं, भारत एक लोकतंत्र है। और जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र हमारी स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। हमारे पूर्वजों ने इसे शब्दों में डाला है संविधान के रूप में। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों के आधार बनाकर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। हमारा संविधान और हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है कि लोकतंत्र कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर शब्द का प्रयोग करता हूं तो जाति पथ धर्म या लौकिक स्तर पर किसी भी भेदभाव की वहां जगह नहीं होती। और जब लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर मानवीय मूल्य नहीं है, मानवता नहीं है, मानव अधिकार नहीं है, फिर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसीलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं तब उसे स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर जीते हैं तब भेदभाव का कोई सवाल नहीं होता। और इसीलिए भारत सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर हम चलते हैं। भारत में सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ सभी को उपलब्ध है। जो भी उनके हकदार है वह उन सभी को मिलते हैं। इसीलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। ओबामा ने अब बात कर लेते हैं कि ओबामा जो आज इस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर उनका जो आप कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी जाग गया है या यूं कहिए कि अल्पसंख्यकों को लेकर उन्हें जो दर्द हो रहा है, ये वही ओबामा है जिन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बम गिराए थे और उसके बाद इन्हें शांति का नोबल भी मिला था और अब भारत को ये ज्ञान भी दे रहे हैं। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्ञान तो दिया है, लेकिन ओबामा ने यह भी कहा है कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान योग्य है। वो वही ओबामा है जिनके राष्ट्रपति रहते हैं। अमेरिका ने दुनिया के 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए थे। अमेरिकी सेना के हमलों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों की मौत हुई जिनके अधिकतर निर्दोष आम नागरिक थे। इसके बावजूद ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब वही ओबामा भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा पर भाषण दे रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि ओबामा का यह दिव्य ज्ञान तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर है। बराक ओबामा ने पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत के वक्त सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए दुनिया भर के तानाशाहों को याद किया। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी का नाम लेते हुए अपने कार्यकाल का बखान किया। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें दुनिया भर में ऐसे नेताओं से भी मिलना पड़ा जिन्हें वो लोकतांत्रिक नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, ओबामा ने यह भी कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों पर पीएम मोदी के साथ काम किया।
तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इन सवालों के जो भी सवाल जो है पूछे गए उसका जवाब दिया, तो इसी के बाद आपको बता बराक ओबामा को लेकर भी एक ट्वीट किया गया और ये ट्वीट जो है प्रोफेसर एन जॉन कैम के द्वारा किया गया है। वो आप कह सकते हैं अमेरिकन कांग्रेस से रिलेटेड है और उन्होंने ही ये लिखकर ये बड़ा दावा किया है कि किस तरीके से मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले ही मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को भारत विरोधी समूहों द्वारा कथित तौर पर $4 मिलियन का भुगतान जो है किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, $4 मिलियन का भुगतान किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी हाल ही फिलहाल में जब अमेरिका गए थे तो उसके पीछे का कारण क्या था, क्यों आज के वक्त में ये जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से लौट कर वापस आते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां पर उनका जमकर स्वागत होता है, जोरदार स्वागत होता है, उसके बाद एक टूलकिट गैंग जो है वो एक्टिव हो जाता है और इस तरीके की बयानबाजी होने लगती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ओबामा का जो एक बैकग्राउंड है रहा है चीजों को लेकर कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने किस तरीके से जो है बम बरसाए हैं कई सारे इस्लामिक देशों पर और उसके बावजूद यहां पर जो है ओबामा द्वारा इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है या फिर इंटरव्यू दिया जा रहा है और इसके पीछे साफ तौर पर जैसा कि हम कह रहे हैं एक बड़ा खुलासा जो है निकलकर सामने आया है कि सरकार की आलोचना करने के लिए, मोदी और मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए भारत विरोधी समूहों द्वारा कथित तौर पर $4 मिलियन का भुगतान बराक ओबामा को किया गया है। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि मोदी सरकार या फिर भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर बराक ओबामा को आखिर इतनी चिंता क्यों हो रही है। इन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में चिंता व्यक्त करना भी कूटनीतिक बातचीत में शामिल होना चाहिए। ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ परमाणु समझौता, क्यूबा के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत के लिए याद किया जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि बराक ओबामा ने अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में लंबे समय तक युद्ध में शामिल रहने के बाद अपने कार्यकाल को छोड़ा था। उनके 4-4 साल से लगातार 2 कार्यकाल के दौरान अमेरिका दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों के युद्ध में शामिल रहा। इसी के साथ ओबामा युद्धग्रस्त अमेरिका के 2 पूर्ण कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी थे। ओबामा के कार्यकाल में ही अमेरिका ने ड्रोन हमलों पर बड़े पैमाने पर शुरू किया था। ओबामा ने खुद ड्रोन हमलों की जबरदस्त वकालत की थी। उनके कार्यकाल में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तुलना में 10 गुना अधिक ड्रोन हमले हुए थे। ओबामा ने अपने कार्यकाल के दूसरे चरण में अफगानिस्तान और ईरान से लड़ने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम कर दी थी, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में हवाई युद्ध और विशेष अभियान बलों के उपयोग के तेजी से बढ़ाया। 2016 में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के कमांडो दुनिया के 138 यानी 70% देशों में मौजूद थे। यह बुश प्रशासन के दिनों के बाद 130 गुना की आश्चर्यजनक वृद्धि थी। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में अमेरिका रक्षा विभाग के डेटा के अनुसार बताया कि अकेले 2016 में ओबामा प्रशासन ने कम से कम 26,171 बम गिराए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका सेना ने हर दिन दुनिया भर के 7 मुस्लिम देशों में 72 बम गिराए। अमेरिका के हवाई हमले सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान में किए गए और यह सभी घोषित तौर पर इस्लामिक देश है। तो जो आज अल्पसंख्यकों पर लेकर भारत को या पीएम मोदी को ज्ञान देने का प्रयास कर रही है, उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया, उन पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों से जुड़े देश जो पर्टिकुलर इस्लामिक देश घोषित है उन पर हर दिन के मुकाबले अपने कार्यकाल में 70 से ज्यादा बम गिराए, वो ओबामा जो है आज के वक्त में प्रधानमंत्री और भारत को ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपका जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जुड़ाई हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।